गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें आज हम लोग का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। Chemistry involves quite a lot of reaction and so it is difficult to study all the reactions separately. अब जैसे कि आपको पता है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो जिसकी वजह से हम सभी रिएक्शंस को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैन ऑल्सो सेड एज मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीज सल्फाइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। दिस सीम्स टू बी लेंथी सेंटेंस टू डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, काफी लेंथी सेंटेंस है जिनको हमें एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। Therefore, in order to study these reactions, we need to follow a method to represent a chemical reaction in an easy way. So, क्या कर सकते हैं इन reactions को study करने के लिए, हमें क्या दिए गए हैं, कुछ chemical reactions दिए गए हैं जिनको हम easy तरीके से समझ सकते हैं और explain कर सकते हैं। तो chemical reactions के जो हमारे chemical equations हैं, इसको two ways है। फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड है आपका केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। केमिकल इक्वेशंस को स्टडी करने के लिए हमारे टू मेथड्स हैं। फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वर्ड इक्वेशन, या फिर हम एक वर्ड इक्वेशन बना के करें, या फिर दूसरा है हमारा केमिकल रिएक्शन इन terms of symbols and formulae। या फिर क्या बना के करें, या फिर symbols या formulas बना के हम इनको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, chemical reactions in terms of word equation। वर्ड इक्वेशंस में केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। अ वर्ड इक्वेशन लिंक्स द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स विद द प्रोडक्ट। जो वर्ड इक्वेशन होता है ये क्या करते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स को, जो नेम्स हैं उनके, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से लिंक कर देते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसमें क्या हुआ, जो मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट को फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल।
अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद में हमारा लास्ट है, लास्ट एग्जाम्पल है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो क्या हो रहा है, जब हमारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल है ये है हमारा वर्ड इक्वेशन का, कि हम इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, वर्ड्स के फॉर्म में पूरा रिप्रेजेंट करें। अब नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। अब किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नेक्स्ट सिंबल्स और फॉर्मूलाज में अब हमको रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, द वर्ड इक्वेशन थ्रू सिंपल मेथड इज नॉट टू शॉर्ट टू स्टडी मेनी रिएक्शंस। ये जो मेथड है हमारा वर्ड इक्वेशन का, एक सिंपल मेथड है और ना ही ज्यादा छोटा है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कई सारे रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। वी स्टिल नीड shorter and faster method in order to understand a large number of reactions. But फिर भी हमको क्या चाहिए, हमें large number of reactions को समझने के लिए छोटे reactions चाहिए, मीन छोटा method चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, हमारे बड़े बड़े equations को easily समझ सके। तो इस तरह के जो इक्वेशंस बनाई गई, इनको बनाया गया किस में, इनको बोला गया सिंबल्स, मींस केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका इक्वेशन बनाया गया, मींस आपको सबसे पहले वर्ड इक्वेशन दिया गया, क्या दिया, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिला आपको, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया। अब आप क्या कर रहे हो, इसके साथ में जब रिएक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इनके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारा Mg, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। तो रिएक्ट हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बना, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन का H2। तो ये जो हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया, ये थे हमारा केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो ये क्या है, ये हमारा शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट है, हम इससे क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस को जल्दी से और फास्टेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करते हैं, लेट अस नाउ लुक इनटू डिटेल ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। आप क्या करिए,
जो केमिकल रिएक्शन है इनमें जो जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है इनको देखिए. व्हेन यू प्रेफर एनी केमिकल इक्वेशन यू हैव सीन देयर आर सम सब्सटेंसेस रिटन इन आरएचएस एंड सम रिटन इन एलएचएस. तो जैसे कि आप देख सकते हैं जब भी हम कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो क्या होता है उसमें कुछ हमारे एचएस में लिखे होते हैं और कुछ हमारे एलएचएस की साइड लिखे होते हैं. तो जैसे कि ये आपका इक्वेशन है इसमें ये जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका एलएचएस. ठीक है. और रिएक्शन के बाद का ये जो प्रोसेस है ये जो इक्वेशन है ये आपका कहलाता है आरएचएस. ठीक. उसके बाद में आते हैं हमारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है? तो जैसे कि आपको पता है जो सब्सटेंस आप क्या करते हैं रिएक्ट कराते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं. तो हम रिएक्ट किसको करा रहे हैं? Mg और H2SO4 को रिएक्ट करा रहे हैं ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट. जब हमने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराया तो उनसे हमें क्या मिला? रिजल्ट मिला. तो रिजल्ट में हमको क्या मिला? MgSO4 मिला और H2 मिला. तो ये जो MgSO4 है और H2 है ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट. तो ये जो है ये हमारा कहलाता है LHS और RHS. LHS को हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं और RHS को हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. और इनके बीच में हमेशा कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है. तो बताइए सबको LHS RHS समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन. अब क्या करा गया? अब हमें इक्वेशंस भी दी जाती है. जब हमें इक्वेशन दी जाती है तो हमें क्या करना होता है? हमें उन्हें बैलेंस करना होता है. कुछ इक्वेशंस बैलेंस होती है कुछ इक्वेशंस अनबैलेंस होती है. तो जो भी इक्वेशन बैलेंस होती है तो हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है. तो अब हम उसको कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस इक्वेशन के बारे में. अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या है आपका? केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल इज नोन एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. मीन्स जो हमारे केमिकल इक्वेशन है उनमें जो नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट्स की क्या है? इक्वल है. तभी वो हमारा क्या कहलाता है? तभी वो हमारा बैलेंस इक्वेशन कहलाता है. जैसे कि आप एग्जांपल ले, पहला हमने लिया मैग्नीशियम, सेकंड हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसके रिएक्शन में हमको मिला मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी इसमें आप क्या करिए? दोनों साइड की जो बैलेंसेस है इनको मैच करिए. MgHS. ठीक है. हमारे देखिए यही तीन मेन है ना. ठीक. एस ओ. तो देखिए यहाँ पे Mg कितना है? वन. Mg के साथ में कितनी वैलेंस है? वन है ना. बताइए यस मैम. कृष्णा श्रेष्ठ बताइए Mg वन है तो ये क्या हो गया? LHS हमारा वन हो गया. वन हो गया. यहाँ पे भी Mg कितना है? वन है.
तो वन होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वन हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे हाइड्रोजन पे, तो देखिए हाइड्रोजन के साथ में कितने आटम्स है, टू टू। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन के साथ में टू आटम्स है। अब सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कितने आटम्स है, टू टू। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, टू लिख दिया। अब सल्फर के साथ में कितने आटम्स है, मैम फोर है। नहीं सल्फर, ये जो फोर आटम्स है ये वन है, मतलब सल्फर के साथ में वन आटम है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सल्फर के साथ में कितने आटम्स है, वन वन वन। ऑक्सीजन के साथ में कितने हैं, फोर फोर। ऑक्सीजन के साथ में फोर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ में फोर है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एल एच एस है और आर एच एस है दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों सेम हो रहे हैं ना, किसी में कोई कम, कोई आटम कम या कोई आटम ज्यादा हो रहा है, नो मैम नहीं हो रहा। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं हमारे एल एच एस और आर एच एस जब दोनों साइड क्या होती है, बैलेंस्ड होती है, तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो बताइए आपको बैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आया, यस मैम यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे अनबैलेंस इक्वेशन पे। अब अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन वो होता है जिसमें जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो दोनों साइड में क्या नहीं होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया एच टू प्लस ओ टू जब मिलता है तो क्या बनता है, एच टू ओ बनता है ना। तो जब हमने क्या किया, हमने इनको बैलेंस करने की कोशिश करी H और O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यस मैम हाइड्रोजन के टू है, कितने टू है। तो हमने एल एच एस में टू लिख दिया। अब सेम इसी तरीके से बताइए आर एच एस में कितने हैं, टू राइट। आर एच एस में भी हाइड्रोजन के टू है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन में कितने एटम्स है, टू है टू है। और आर एच एस की साइड ऑक्सीजन में कितने एटम्स है, जीरो जीरो नहीं बोलेंगे कृष्णा। देखिए क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। तो ये बताइए तो हमारा क्या आर एच एस क्या एल एच एस और आर एच एस सेम हो रहा है, नो मैम नहीं हो रहा। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। तो जब हमारा आर एच एस और एल एच एस इक्वल नहीं होता है तब वो हमारा क्या कहलाता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि अब हम इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, yes.
जब हम क्या करते हैं, जब हमें इन इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है तो हम क्या करते हैं, उतने नंबर ऑफ एटम्स क्या कर देते हैं, उस साइड बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने भी देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में टू था, हाइड्रोजन में टू था, ऑक्सीजन में टू था और यहाँ पे वन था। तो अभी हमने कहाँ पे बढ़ाना है, अभी हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स करने हैं, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स करने हैं, टू एटम्स करने हैं, ताकि क्या हो सके, ये पूरा बैलेंस हो सके, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे टू। जब हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट में टू लिखा तो एक नया प्रोडक्ट और बन गया, यानी एक नया बैलेंस पूरा बन के आ गया। हाइड्रोजन में टू मॉलिक्यूल्स पहले से थे, उसमें टू मॉलिक्यूल्स और मिल गए, तो ये टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, ये हो गए फोर मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, अब टू मॉलिक्यूल्स हो गए। तो क्या बताइए, अब हमारा जो करंट है वो ये बना RHS और करंट LHS ये है, क्या ये दोनों अभी भी सेम है, बताइए श्रेयस। नो मैम। हाँ नो मैम, अभी भी सेम नहीं है, है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा हो रहा है, कौन सी गैस ज्यादा हो रही है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने से ज्यादा हो रही है, टू से ज्यादा हो रही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे हाइड्रोजन को इंक्रीज कर देंगे टू से, तो टू टू का कितना हो जाएगा, फोर। फोर हमारा हाइड्रोजन हो गया फोर, ऑक्सीजन था हमारा टू। तो अब हमारा करंट बन गया, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो देखिए दोनों साइड के मॉलिक्यूल सेम है, बैलेंस ही सेम है। Yes, ma'am. तो ये जो इक्वेशन हुआ, ये क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा अब बैलेंस इक्वेशन, ठीक। कैसे हम बैलेंस करते हैं, समझ में आया कृष्णा श्रेष्ठ? Yes, ma'am. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसको करके दिखाइएगा। Fe plus H2O reaction was Fe3O4 plus H2. अब इसको आप लोग बैलेंस करिए। जल्दी से करिए। और बच्चों इनके जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बैलेंस करने के, ठीक है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ओके, जो वन मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये आ सकता है, ठीक है। मैम। हाँ श्रेष्ठ। मैम थोड़ा लाइट मैम ऑफ कर दीजिए, बोर्ड पर शाइन हो रहा है। रुकिए एक मिनट। ठीक है अब क्लियर है? यस मैम।
मैम हो गया, हो गया। चलिए कृष्णा हुआ तुम्हारा? नो मैम। मैम मैम जो एफ ई है वो उधर जाएगा तो हो जाएगा थ्री एफ ई प्लस एच फोर एच टू ऑक्सीजन एफ ई थ्री फोर ऑक्सीजन फोर प्लस फोर हाइड्रोजन। चलिए बोले शेष इक्वेशन बोलिए पूरा क्या होगा। मैम थ्री एफ ई प्लस एच टू ओ थ्री एफ ई प्लस एच टू ओ ओके एफ ई के बाद एफ ई थ्री एफ ई थ्री ऑक्सीजन फोर प्लस हाइड्रोजन टू ओ फोर प्लस एच टू यही है। यस मैम। ओके क्या कृष्णा तुम्हारा भी सेम इक्वेशन है? मैम ऑक्सीजन तब तो मैम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 4 है और मैम राइट हैंड साइड 1 है। मैम मेरा पूरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना मैम, ये स्टेप वाला है मैम, मैम आंसर नहीं बताऊ मैं आपको, ये स्टेप वाला था। कृष्णा पूरा बताओ, पूरा जो एग्जैक्ट आंसर है वो बताओ, जो करेक्ट इक्वेशन है वो बताओ। यस मैम 3 Fe plus O hydrogen 2 oxygen arrow 3 Fe 3 oxygen 4 plus 4 hydrogen 2। भाई बोल क्या रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। श्रेष्ठ क्या बोल रहे, देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलो। मैम three Fe plus four hydrogen two हाँ arrow F E three four H two O हो गया, मतलब four H two O हो गया ठीक है। हाँ के बाद F E three oxygen four हाँ four hydrogen two हाँ। कृष्णा तुम्हारा बच्चे में बताओ, कृष्णा तुम्हारा भी सेम है? नो मैम। कृष्णा ने लगाया ही नहीं है, है ना बेटा, प्रैक्टिस करो ठीक है, प्रैक्टिस करना। शेष बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर ठीक है। अब समझ में आया हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को? यस मैम। अब क्या करिएगा, इनसे क्वेश्चंस और फाइंड करिएगा, सर्च करिएगा, बुक में भी क्वेश्चंस होंगे उनको लगाइएगा और क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम केमिकल इक्वेशंस को और कैसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारा इक्वेशन है वो किस स्टेट में जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके यस मैम। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। श्रेष्ठ एक मिनट रुकिए।